सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सोनाली स्पीक्स की एक और नई और फ्रेश ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। पिछले दो दिन से मैं ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ और मैं ये सोच रही थी कि हैट्स ऑफ टू ऑल दोज डेली ब्लॉगर्स जो डेली डेली अपने छोटे छोटे क्लिप्स को एडिट करके बड़े ब्लॉग बनाते हैं और ऑडियंस के लिए ब्लॉग को पब्लिश भी करते हैं। मैं नहीं कर पाती हूँ, तो आज ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर होल डे। आज एक मीटिंग है, मैं जा रही हूँ। आज हम कुछ बच्चों को सुनेंगे, बच्चे हमसे सुनेंगे और हम बच्चों की क्रिएटिविटी भी देखेंगे। तो क्या क्या होता है दिन भर, मेरे साथ आप रहिए, मैं आपको लेके साथ में चलती हूँ। मीटिंग, ऑफिस, ऑफिशियल काम, यही सब तो है जिंदगी। वैसे रास्ते में जाते हुए कार के मिरर से खुद को देख के मैं कुछ सोच रही थी। सेल्फ रिफ्लेक्शन को मिरर में देख के मैं कुछ सेल्फ एनालिसिस भी कर रही थी। ये सफर तो रोज का है, लेकिन ये सफर का मंजिल हर रोज कुछ अलग अलग सा है। नीला सा आसमां, उसमें सफेद सफेद ये बादल कुछ कह जाते हैं। फिर हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे, ये आश्रम स्कूल। मैं अपने एक पुराने ब्लॉग में भी ऐसा कुछ प्रोग्राम आप लोगों को दिखाई थी, अगर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। ये देखिए, दोनों तरफ से बच्चे खड़े हैं हमारे स्वागत के लिए। मेरे साथ ICTS डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर मैडम भी है। बच्चे हमें सिंदूर लगा के, फूल छिड़क के हमारे ऊपर, हमारी जैसे कि आरती उतार के हमें अंदर लेके जा रहे हैं। अच्छा फील होता है बच्चों को इस तरह से देख के। बच्चे अपनी संस्कृति से प्रेरित है, बच्चों को स्कूल में सिखाया गया है। बच्चे यहाँ पे रंगोली बना रहे थे, कंपटीशन था, बाद में पता चला। बच्चों के साथ थोड़ी देर इंटरेक्शन भी हुआ, उसके बाद प्रोग्राम शुरू होने वाला था और हम लोग सरस्वती माता की पूजा शुरू किए, जैसे हर मीटिंग से पहले करते हैं। विद्या का मंदिर है ये, भूमि वीरों का भूमि है, हीराखंड बोलते हैं वेस्टर्न ओडिशा को। आप यहाँ का डांस देखेंगे तो आप भी चौंकने रह जाएंगे। एक छोटा सा बच्चा, जब शायद वो बोलना भी नहीं जानता हो, तब से वो यही गाना सुन के बड़ा होता रहता है, दाल खाई रे। सुना ही होगा आपने, G20 में भी तो बजा था हमारा ये संबलपुरी गाना। बच्चों का ये जो मूवमेंट्स आप देख सकते हैं, हमारी बच्चियाँ बहुत होनार थी। थोड़ी सी मदर टीचर से लेके, खुद कोरियोग्राफ करके, इस तरह से फ्यूज़न गाना बना के, इस तरह से वो लोग डांस कर रहे थे। रसर के लिगो, डाल खाई, ये सब यहाँ का ट्रेडिशनल सॉन्ग से। ये गाना बजे, ये म्यूजिक बजे, ये रिदम बजे तो आपके पैर भी ना थिरके तो मुझे बताना। कभी हमारे यहाँ भी आइए और हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए। ये यहाँ पे मैं बच्चों को संबोधित करती हूँ, स्पीच एज यूजुअल, मेरा फेवरेट पार्ट होता है ये। यहाँ पे मैं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, आप बच्चों के साइकोलॉजी को कैसे स्टडी करें इस बारे में भी बताई और कुछ ऐसे चीज़ें भी बताई जो बच्चों के लिए जानकार होना चाहिए। फिर हमने और एक डांस परफॉर्मेंस देखा, दुर्गा माता की स्तुति कर रहे थे। थोड़ा स्पीड बढ़ाई हूँ और गाना पूरा नहीं दे सकती कॉपीराइट की वजह से। इन बच्चियों के अंदर बचपन से ही शक्ति की कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। यहाँ पे उड़िया में इस पोस्टर या फिर बैनर में लिखा है, अभिभावक है हमारे अंशीदार, पेरेंट्स आज पार्टनर्स। मीटिंग इसी टॉपिक के ऊपर ही था, बच्चे, उनके पेरेंट्स, हम सबके साथ थोड़े थोड़े बातें की। बच्चे खुश तो थे लेकिन शरारत भी कर रहे थे। हमारे बचपना याद आ गए हमें, हम भी तो इतने छोटे छोटे थे, कहीं 15 साल पहले, जब ऐसे ही स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में दौड़ते रहते थे हम लोग। ये गर्ल्स हॉस्टल था, सारे लड़कियां यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। फिर उस रास्ते से मुड़ने के बाद हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिला, ये ढोल, निशान, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स से ये बज रहे हैं, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स। घर वापस आते आते सारे काम ख़त्म करके सूरज ढलने लगा था और हमारी एनर्जी भी थोड़ी बहुत ढल चुका था। रास्ता रोज यही है लेकिन मंजिल हमेशा नया नया। आज के दिन बहुत ही अच्छा रहा, इन बच्चों की मासूमियत में, उनके टूटे हुए दांतों के अंदर से निकलते हुए मुस्कुराहटों में हमें अपना बचपना दिखा। और बचपन इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। बच्चों के साथ कुछ वक्त बिता के बहुत अच्छा लगा।
मुझे अगर अभी तक सुन रहे तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। थैंक यू।